बच्चों हम अध्याय 9 शासक इतिवृत्त के अंतर्गत हम प्रश्न उत्तर समझ रहे हैं। ये इसके अंतर्गत हमने पिछले उसमें हमने आपको 5 क्वेश्चन के समझाए थे। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है कि उदाहरण सहित मुगल इतिहास के विशिष्ट अभिलक्षणों की चर्चा कीजिए। तो मुगल इतिहास में जो है अभिलक्षणों की हम चर्चा करेंगे। तो इसमें मुगल सम्राट जो है उसकी धारणा क्या थी। तो सबसे पहले ये देखेंगे हम कि उनकी नियुक्ति जो है विशाल और विजातीय जनता पर शासन करने के लिए की गई थी, और साथ ही साथ उनका धारणा में प्रचार प्रसार एक महत्वपूर्ण उपाय था जिसमें राजवंशी इतिहास लिखने और लिखवाने के रूप में ढूंढ निकालना था। क्योंकि लिखने और लिखवाने से क्या होगा, उनके इतिहास जो है बाद में बहुत लंबे समय तक हम उसको समझ सकते हैं। रूनी के गीता लेखन कार्य के लिए अपने दरबारी इतिहासकारों को सौंपा, जिसमें कि कार्य जो है विद्वत्तापूर्वक संपन्न कराने, विवरणों अंग्रेजी भाषा में लेखन कार्य करने और आधुनिक इतिहासकारों के ये सब की आवश्यकता होती थी। इसको हम इतिवृत्त कहते हैं, मतलब इतिहास में जो हमें लिखित रूप में जो मिल रहा है वह एक इतिवृत्त या इतिहासों और जो लिखित मिल रहा है उसको हम बोलते हैं। फिर मुगल इतिवृत्तों में लेखक दरबारी इतिहासकार भी होते थे। जो दरबारी इतिहासकार होते थे कि वे क्या करते थे, वे उनके बारे में सभी चीजें लिखा करते थे और उनके पक्ष में ही लिखा करते थे, और वे बुराई बहुत कम लिखते थे, उनकी बड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा लिखी हुई होती थी। जो युद्ध होते थे सारी चीज़ें होती थी, उनकी जीवनचर्या होती थी, जैसे अभिजात वर्ग लोग, युद्ध, प्रशासनिक व्यवस्थाएं और उस द्वारा लिखे जाने वाले इतिहास कुछ केंद्रीय विषय हुआ करते थे, जिसमें हम देखेंगे क्रम से अकबरनामा, शाहजहांनामा और रविंद्रनामा। इसमें हम क्या देखेंगे, अकबरनामा, शाहजहांनामा और रविंद्रनामा, ये महत्वपूर्ण लेख हैं। फिर इतिवृत्त में हमें मुगल राज्य जो है वो संस्थाओं के तक विषय जो है तथ्यात्मक सूचनाएं प्रदान करने के लिए भी हमें लाभदायक सिद्ध होते हैं, क्योंकि इससे हमें ये पता चलता है कि इन आशय परिचय देते हैं कि मुगल शासक जो थे अपने साम्राज्य में किस तरह से उसको लागू करना चाहते थे। और मुगल इतिवृत्त में महत्वपूर्ण अभी लक्षण या साम्राज्य के अंतर्गत जो आने वाले सभी लोगों के तमाम प्रबुद्ध राज्य की छवि की भी प्रस्तुत करता था। इसी तरह से इतिवृत्त के अंतर्गत महत्वपूर्ण अभिलक्षण भावी पीढ़ियां और शासन के लिए विवरण के लिए उपलब्ध कराना होता था। तो देखिए इस अध्याय में दी गई दृश्य सामग्री किस हद तक प्रचुर हमारे पास अभूल पजल द्वारा दिए गए तस्वीर जो है उसको हम वर्णन करेंगे। समय उनके समय में जो अबुल फजल जो लेखक हुआ करते थे उनकी तस्वीर कई स्रोतों से मेल खाती हैं। जैसे उल्लेखनीय है कि मुगल काल में चित्रकारी और चित्रकला सराहनीय विकास हुआ था, क्योंकि मुगल सम्राट उस समय जो था वह चित्रकारी के बहुत ही प्रेमी थे और चित्रकला राज्याश्रय प्रदान किया गया था। उसके साथ साथ कई ऐसी राजनीतिक उथल पुथल के कारण भी भारत छोड़कर वे भारत की शरण लेनी पड़ी थी, और इसके अध्याय में सुअवसर प्राप्त हुआ था। और इसमें हम देखेंगे कि जो पारस की उच्च कोटि की जो चित्रकारी भी उसमें हमें देखने को मिलती है। फिर हम देखेंगे मुगल साम्राज्य निर्माण की प्रक्रिया से गुजर रहा है, यह सारी चीज़ें भी हमें इतिवृत्त में यह सब सारी चीज़ें जो हैं वह जो वर्णन के स्रोत हैं उसमें यह सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। मुगल चित्रकला वास्तविक प्रारंभ सम्राट अकबर के शासनकाल में हुआ था, और चित्रकला को प्रोत्साहन देने के लिए, क्योंकि ये कहाँ कब हुआ था, सम्राट अकबर के शासनकाल में हुआ था, और यहाँ पर प्रोत्साहन देने के लिए अकबर ने कई ऐसे उनकी ख्वाजा अब्दुल जो अध्यक्षता में कई पृथक पृथक चित्रकला भी स्थापित किए गए थे, कई विभाग भी बनाए गए थे, कई लोगों को उपाधियाँ से भी अलंकृत किया गया था, कई चित्रशालों का निर्माण कराया गया था, जिसमें कि उनके समय में हिज्जमनामा, रजनाबी, तारीख़ अल्फी, तैमूरनामा, इस तरह से बहुत से लेख हैं जो कि देखने में और सराहनीय कार्य किया हुआ है, और चित्रकला भी अच्छे दिखते हैं। फिर देखेंगे मुगल अभिजात वर्ग के विशिष्ट अभिलक्षण के क्या थे और बादशाह के साथ उनके संबंध किस तरह थे। मुगल सम्राट में जो थे अभिजात वर्ग के जो थे बादशाह उनके साथ तो कई संबंध थे, जैसे कि अभिजात वर्ग में विभिन्न भर्तियाँ होती थी जिसमें जाति तथा धार्मिक समूह होती थी, जिसमें कि मुगल सम्राट राज्य को चुनौती भी दे सके, और अधिकारी वर्ग जो है गुलदस्ते के रूप में वर्णित किया जाता था।
भाषा के साथ भी जुड़े हुए होते थे और साम्राज्य में आरंभिक चरण में जो थी तुरानी और ईरानी अभिजात वर्ग अकबर के शाही सेवा में उपस्थित रहते थे और वे कुछ अन्य बाद मुगल दरबार में भी आए थे। फिर 1560 में हम देखेंगे भारतीय मूल के जो शासकीय समूह जो राजपूतों और भारतीय मुसलमानों के शाही सेवा प्रवेश किया, जिसमें कि लेखाशास्त्र में झुकाव वादी हिंदू जातियों और सदस्यों के पदोन्नत किया गया था। फिर अकबर के वित्त मंत्री टोडरमल जो थे, मंत्री जो थे कौन थे, टोडरमल थे, तो इन्होंने भी ये जिस क्षत्रिय जाति से जुड़े हुए थे तो वे उनके रानियों के उच्च पद प्राप्त हुए थे और जहांगीर का उनको राजनीतिक रूप से प्रभावशाली रानी नूरजहां ईरानी थी, जिसे राजपूतों के उच्च पदों पर भी नियुक्त किया गया था। फिर हम देखेंगे कि शासनकाल में आधिकारिक समूह में कई मराठे अच्छी खासी संख्या में थे, जो अभिजात वर्ग के सदस्यों के लिए शाही सेवा की शक्ति दिए जाते थे और साथ ही साथ याचिकाकर्ताओं को सुयोग माना जाता था और वे उनको मनसब प्रदान किया जाता था और साथ ही साथ कार्यालय में उनकी मुहर व हस्ताक्षर के साथ साथ बादशाह की मुहर और हस्ताक्षर वाले आदेश भी तैयार किए जाते थे। तो क्या किया जाता, बादशाह की मुहर और हस्ताक्षर के साथ साथ उनके आदेश जो होते थे उसको तैयार किया जाता था। तो देखिए राजस्व के मुगल आदर्श का निर्माण करने के लिए क्या पहचान, तो मुगल राजस्व का जो सिद्धांत था, मुगलों के राजस्व के जो सिद्धांत है, वास्तविक प्रजापति जो सम्राट थे उस समय उन्होंने अपने शासनकाल में कई उत्तराधिकारी थे जैसे जहांगीर में पर्याप्त सीमा तक उसके द्वारा प्रतिपादित राजस्व जो था वह सिद्धांत का भी उन्हें अनुकरण किया था। फिर देखेंगे मुगलों की राजकीय विचारधारा जो थी उसका निर्माण भी सम्राट अकबर और परम मित्र जो थे वैचारिक सहयोगी थे उन्होंने अबुल फजल द्वारा किया था। फिर विद्वानों के विचार अनुसार हम देखेंगे कि जो राजतंत्र थे तैमूर उसमें ढांचे में सुप्रसिद्ध ईरानी सूफी सुहरावर्दी के मृत्यु के बाद विचारों का प्रभाव बढ़ा था। फिर देखेंगे राजस्व के मुगल आदर्श निर्माण के लिए किन तत्वों का निर्माण करने के लिए तत्व इस प्रकार थे। सबसे पहले देखेंगे राजपद का दिव्य सिद्धांत। अब मुगल सम्राट का जो राजपद था वह दिव्य सिद्धांत में विश्वास करते थे क्योंकि यह पद जो होता था वह सर्वोच्च शक्तिमान माना जाता था और साथ ही साथ यही कहा जाता था कि इसे विशेष रूप से इनको यह पद प्रदान किया गया है। मुगल दरबार में इतिहासकारों ने भी अनेक साक्ष्यों को यह आधार मानकर उसका प्रयास किया है। फिर राजस्व के दिव्य सिद्धांत की व्याख्या करते हुए अबुल फजल ने लिखा है कि राजा एक साम्राज्य सामान्य मानव से कहीं अधिक है, वह पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व है और ईश्वर का स्वरूप है। मतलब उस समय राजा को ईश्वर का स्वरूप या ईश्वर का प्रतिनिधि मानते हुए उसे एक सामान्य मनुष्य की अपेक्षा बुद्धि विवेक और ईश्वरी वरदान अधिक मात्रा में प्राप्त होता है और उनके अनुसार राज शक्ति ईश्वर से फूटने वाले प्रकाश के सूर्य थे जिसे निकालने वाली किरणें जो थी राजपति। इसी सिद्धांत के कारण मुगल सम्राट जो था स्वयं को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि समझने लगे थे। इस तरह से ईश्वर की छाया की उपाधि की धारणा दी गई थी और साथ ही साथ ये सारे जो शासन में सम्राट का जो पद होता था अधिक आदर और सम्मान और श्रद्धा की भावनाएं उत्पन्न करती थी। फिर हम देखेंगे चित्रों द्वारा दिव्य सिद्धांत के विचार का संप्रेक्षण। तो इसमें हम देखेंगे कि उल्लेखनीय है कि इतिवृत्त में विवरणों में चित्रित किए जाने वाले चित्रों के इन विचारों के संप्रेषण महत्वपूर्ण योगदान है, जिसमें कि चित्र देखने वालों को भी यह मन मस्तिष्क में स्थायी प्रभाव डालते हैं, क्योंकि चित्र जो हम देखते हैं वह हमारे दिमाग पर स्थायी रूप से चित्रित हो जाते हैं। फिर देखेंगे धर्म और राजनीति में पृथकीकरण, मतलब धर्म और राजनीति को हम अलग अलग कैसे कर सकते हैं। तब यहाँ पर धर्म और राजनीति के पृथकीकरण स्थापित करने का प्रयास किया गया था, लेकिन अकबर की राजनीति में उलेमा वर्ग के जो अनुचित हस्तक्षेप पसंद नहीं था। इस तरह से उस समय की आधारभूत संचालित करना चाहता था, उसका उद्देश्य यह था कि 1579 में निर्भूत घोषणा की उद्घोषणा की गई थी, जिसमें घोषणा के अनुसार सम्राट कुरान की व्याख्या संबंधी उठने वाले विवादास्पद विषयों के अंतिम निर्णय लेने में सर्वोच्च सत्ता के रूप में स्वीकार कर लिया था।
फिर देखेंगे सुलह कुल। मुगल आदर्श का निर्माण करने वाले तत्वों को सुलह कुल की नीति का महत्वपूर्ण स्थान था, क्योंकि इसमें यह था कि स्वीकार करना होता था धार्मिक सहनशीलता की नीति, अनुसरण करना मुगल साम्राज्य सिद्धांत का सार्वजनिक महत्वपूर्ण विशेषता थी, जिसमें अबुल फजल के अनुसार सुलह कुल संपूर्ण शांति का एक आदर्श और प्रबुद्ध शासन था। इसमें सुलह कुल में सभी धर्मों को और सभी मतों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता दी गई थी। सभी अपने अपने मत रख सकते थे, सभी अपने अपने धर्मों का पालन कर सकते थे, सभी अपने धर्मों के नियमों का पालन करने का समान अधिकार उनको प्रदान किए गए थे। फिर देखेंगे राजनीतियों के माध्यम से सुलह कुल के आदर्श को लागू करना। कुछ ऐसी राजनीतियाँ बनाई गई थी जिसमें सुलह कुल के आदर्श को लागू करना आवश्यक हो गया था। जैसे कि उस समय मुगल शासन सुलह कुल के आदर्श को राजनीतियों में के माध्यम से लागू किया गया था, जिसमें मुगलों ने अपने अभिजात वर्ग या अमीर वर्ग में ईरानी, यूनानी, अफगानी, राजपूत, दक्कनी आदि सभी अमीरों को सम्मिलित करके उन्हें एक मिश्रित रूप प्रदान करने की कोशिश की गई थी, और पुरस्कार प्रदान करने के लिए उन्हें जाति अथवा धर्म को नहीं अपितु राजा के प्रति उनकी सेवा और निष्ठा को ध्यान में रखकर किया गया था। फिर देखेंगे साम्राज्य में अधिकारियों को जो स्पष्ट निर्देश दिए गए थे, तो इसमें सुलह कुल के नियमों के अनुसार उपासना स्थलों को रख रखाव निर्माण के लिए मुगल बादशाहों द्वारा अनुदान प्रदान किए जाते थे, और साथ ही साथ इससे प्रजा पुनः जजिया लागू किया गया था, जिसमें कि इस यह पता चलता है कि शाहजहाँ और औरंगजेब के बाद शासन काल में यदि युद्ध काल में मंदिरों को नष्ट कर दिया गया था और उसकी मरम्मत और अनुदान भी जारी किए गए थे।